नमस्कार। अनुलोम विलोम की महिमा आप सबको पता है और आम व्यक्ति को अनुलोम विलोम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तो जरूर करें, आधे घंटे तक भी अगर करें तो बहुत बढ़िया है। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, अनुलोम विलोम उसमें बहुत सहायता प्रदान करता है। तो आज की इस बात का आप गांठ बांध लीजिए कि मुझे अनुलोम विलोम करना ही है, चाहे कोई भी उम्र हो और कोई भी जो है महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको अनुलोम विलोम हमेशा फायदा देने वाला प्राणायाम होगा। इस प्राणायाम को नाड़ियों का शोधन करने के लिए भी सहायक माना जाता है। तो ये प्राणायाम तो हम करते ही हैं। अब इसकी थोड़ी सी पहचान बता दूं तो बाईं नासिका से श्वास लिया, दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया और बाईं से छोड़ा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक से लेना, दो से छोड़ना, दो से लेना, एक से छोड़ना, ये सिंपल सी बात है। अनुलोम विलोम के और बाकी वीडियो हैं, उनमें सारी बातें आई हुई है। आज का जो हमारा विषय है कि अनुलोम विलोम से पहले और बाद में क्या करना चाहिए। देखिए, आमतौर पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो सामान्य योग क्रियाएं करते हैं, वो तो अपने आसनों का पूरा पैकेज करें और उससे पहले उसके बाद में प्राणायाम का जो शुरुआत करें तो उसमें भस्त्रिका और कपालभाति करें। लेकिन सामान्य व्यक्ति की मैं बात करूं तो आजकल क्या है कि शरीर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा योग क्रियाएं कर नहीं पाते और समय भी जो है थोड़ा सा कम रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत कुछ नहीं कर पा रहे और बहुत कुछ करना नहीं चाहते, मन भी नहीं होता कि मैं बहुत सारी योग क्रियाएं करूं, तो मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा पैकेज अगर बताऊं तो आपको, देखिए, सूक्ष्म क्रिया जो है ये जरूर करना चाहिए। मैं आज बहुत जरूरी जरूरी बात जो है वो जरूर आपको बताता हूं। छोटा सा पैकेज है, इनके अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, सब पे डाले हुए हैं। आप योगाचार्य लिखेंगे और साथ में अनुलोम विलोम लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, कपालभाति लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। तो आप सिंपल तौर पर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये करना चाहिए कि पहले तो आपको सूक्ष्म क्रिया करनी चाहिए। सूक्ष्म क्रिया हाथ की अंगुलियों से शुरू होती है, चाहे पैर की अंगुलियों से शुरू करें, हाथ की अंगुलियों से। ये हमारे हर जोड़ को सुबह सुबह अगर तीन तीन बार इन क्रियाओं की हमने प्रैक्टिस कर ली तो आप ये मानिए कि हर जोड़ जागृत हो जाएगा, हर जोड़ जागेगा, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो आपकी बहुत सारी व्याधियों में एक सिंपल सा जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। आप दो दिन में ही हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि जिनकी शरीर में बहुत सारा दर्द है, बहुत भारी है, वो बहुत सारी क्रियाएं नहीं कर पाते। लेकिन सूक्ष्म क्रियाएं सूक्ष्म चीजों की है, जैसे अंगुली तो कोई भी हिला सकता है, ये कलाई कोई भी घुमा सकता है, कोहनी जो है कोई भी घुमा सकता है, कंधा कोई भी घुमा सकता है, ये तो सिंपल क्रिया है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करें तो ये ट्विस्टिंग कोई भी कर सकता है, साइड का जो झुकने वाला है ये भी कोई भी कर सकता है। सिंपल सिंपल क्रियाएं हैं जिनको मैंने पहले बताया हुआ है, आप सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करें। आज मैं केवल आपको सिंबॉलिक तौर पर तीनों चीज़ों की चर्चा करूंगा, तो सूक्ष्म क्रियाएं करनी जरूरी है, जरूर करिएगा। मैं आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत कामना करता हूं और ये विषय विशेष रूप से आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूं, कई लोगों को समझ में नहीं आता हम करें क्या। तो आप सिंपल तौर पर जो सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं, यानी 60-70 साल के व्यक्ति भी सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। अब देखिए, कोई बहुत गंभीर रोग हो, जिनकी स्थिति ना हो, बैठ ही नहीं सके, तो उनका तो देखिए मैं नहीं कह सकता, या डॉक्टर की राय से करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्रिया करने से दो दिन में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं तो आपको एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए, एक बार उसमें रुक जाना चाहिए, बस ये सावधानी का ध्यान रखें। अब सूक्ष्म क्रिया करने के बाद लगभग 30 मिनट का पैकेज होता है सूक्ष्म क्रिया, पूरी गर्दन की, सारी आंखों की, सारी सूक्ष्म क्रियाएं हो जाएंगी। उसमें आंखों से संबंधित समस्या है तो ठीक है, गर्दन की हो जाएगी तो भी ठीक है, कंधे की हो जाएगी, यानी सारी समस्याओं का एक समाधान सूक्ष्म क्रिया। उसके तुरंत बाद आपको करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, 15 मिनट से 20 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास, बाईं नासिका से श्वास लेना, 10 गिनती। आप कई लोगों को गिनती समझ में नहीं आती, तो गिनती क्या है, अंदर ही अंदर हम गिनेंगे 10 गिनती, ये काउंटिंग है, इससे पता चले कि इतनी देर मैंने श्वास लिया है। तो ये 10 गिनती तक आपने श्वास लिया, 10 गिनती तक आपने दाहिनी नासिका से छोड़ा, यानी बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा। अब बाईं नासिका से 10 गिनती तक खींचना और 10 गिनती तक छोड़ना, ये मैं सामान्य अवस्था में जो नया व्यक्ति है उसके लिए बता रहा हूं। और अगर आपको अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर तो आप देखिए इसका जो है काउंटिंग डबल भी कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो ये अनुलोम विलोम हो गया। अब इसके बाद क्या करना और ये लाभकारी किनके है, देखिए, जिनको बीपी हाई रहता है, शरीर में बहुत ज्यादा ऐंठन तनाव है। अब बीपी हाई क्या है, हमारी नसों का, नाड़ियों का तनाव ही तो है जिसकी वजह से ब्लड जो है बहुत स्पीड से जा रहा है और वो जो है काउंटिंग में 160, 170, 180 ऐसा काउंटिंग में आ जाता है। तो वो तनाव जो है, उस तनाव को डाउन करने के लिए अनुलोम विलोम
बेटर है और उससे पहले सूक्ष्म क्रियाएं जो कि उसको गर्म कर देंगी। इसके जस्ट बाद हमें करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम में कंफ्यूज मत होइए, ये षणमुखी मुद्रा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कान का उभरा हुआ हिस्सा है ना, इसको आप अंगुली से ऐसे दबा दीजिए और लंबा श्वास भरे और भंवरे की आवाज करते हुए श्वास को छोड़ना। फिर श्वास भरे, ये तो सामान्य तौर पर सभी कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुद्रा का कोई मतलब नहीं है। कान का उभरा हुआ हिस्सा वैसे इसको अंगुली से दबाना है और भंवरे की आवाज करना है, गुंजन होगा, वो गुंजन आपको मानसिक तनाव से शांत करेगा। बस ये तीन चीजें आपको बताई। अब ये करने के बाद कई लोगों को ऐसा फील होता है कि एक लेजीनेस सी आई, नींद सी आनी शुरू हो गई, तो उसके जस्ट बाद में 15 मिनट का शवासन कर लीजिए। 15 मिनट लेट जाइए और लंबी लंबी श्वासों के साथ शवासन कर लीजिए। 15 मेरा शवासन का एक वीडियो है, उसमें सारी सीक्वेंस बताइए, वो सीक्वेंस कर लेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको पैकेज बताया जो सामान्य व्यक्ति सब कुछ सब लोग इसको कर सकते हैं और उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाजत त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।